मोदी तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले ही पाकिस्तान में बेचैनी। नरेंद्र मोदी साहब एट्थ ऑफ जून को वोट ले रहे हैं और उनकी स्वरिंग सेरेमनी में शिरकत करने के लिए दुनिया भर के लीडर्स इंडिया पहुंच रहे हैं पीएम मोदी की तरफ से दुनिया के लीडर्स को इनवाइट किया गया है कि वो इंडिया आए और उस सेरेमनी में शिरकत करें मैं वो लिस्ट देख रहा था कि उसमें कौन-कौन मॉरिशस के सदर को लिस्ट भेजी जा चुकी है मैं क्योंकि मैं अब इज एक्साइटेड कि मैं भी शिबाश शरीफ साहब को भी लिस्ट में आए लेकिन शिबाश शरीफ का नाम नहीं है उसमें हेलो दोस्तों स्वागत आप सभी का तो दोस्तों इसमें पाकिस्तानी मीडिया के अंदर भारत के इलेक्शन की काफी चर्चा हो रही है हालांकि ये अलग बात है कि पाकिस्तान और पाकिस्तानी मीडिया का जो मंसूबा था कि भारत के अंदर फिर से नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर न बने लेकिन फाइनली अब डिसाइड हो चुका है कि आने वाले आठ जून को फिर से नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर से भी योथ यानी शपथ ग्रहण समारोह कर रहे हैं और उसमें जैसा कि आप जानते हैं कि मोदी जी का स्टाइल है कि कि वह किसी भी चीज़ को बड़े स्टाइल से कुछ डिफरेंट तरीके से करते हैं सो इस बार भी मोदी जी ने अपने शपथ ग्रहण समारोह के अंदर विश्व के कई लीडर्स को इनवाइट किया है और उन्होंने मोदी जी के इनविटेशन को स्वीकारा है और वो सभी 8 तारीख को मोदी जी के शपथ ग्रहण समारोह के अंदर शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं लेकिन इस समय में पाकिस्तानी मीडिया इस बात को देख करके काफ़ी हैरान है कि मोदी जी ने अपने इस समारोह के लिए भारत के आसपास देशों को चाहे वो नेपाल हो बांग्लादेश हो श्रीलंका हो उन सभी को इन्विटेशन दिया और वो सभी भारत पहुंच भी रहे हैं लेकिन पाकिस्तानी मीडिया सॉफ्ट है कि मोदी जी ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर शबाज शरीफ को इनवाइट नहीं किया यानी उनको आमंत्रित नहीं किया और वो भारत नहीं आ रहे हैं लेकिन सवाल यह भी है कि भारत आखिर पाकिस्तान को इनविटेशन दे ही क्यों क्योंकि आए दिन हम देखते हैं पाकिस्तान और पाकिस्तानी मीडिया के साथ साथ जो पाकिस्तान में सरकार के अंदर लोग हैं चाहे वो मंत्री हो या फिर पाकिस्तानी आर्मी के चीफ वह भारत को हमेशा न सिर्फ अपना दुश्मन मानते हैं बल्कि खुलेआम यह भी बोलते हैं कि भारत हमारा दुश्मन मुल्क है और इनफैक्ट यह बात पाकिस्तान आज से नहीं बल्कि जब से पाकिस्तान बना है नाइनटीन के अंदर तब से पाकिस्तान की ओर से ऐसे बयान आते रहे हैं साथ ही यह भी देखने वाली बात है कि 2014 से पहले यानी मोदी जी के पहली बार प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले भारत की तरफ से हमेशा यह कोशिश की गई कि पाकिस्तान के साथ दोस्ती रखा जाए उनके साथ ट्रेड रिलेशनशिप हो और उसके लिए बहुत सारे प्रोग्राम भी चलाए गए जैसे कि अमन की आशा लेकिन पाकिस्तान की तरफ से हमेशा भारत के साथ दोस्ती की आड़ में खंजर भूखा गया इसके बावजूद मोदी जी जब पहली बार प्राइम मिनिस्टर बने तब भी उन्होंने इसी परंपरा यानी दोस्ती की परंपरा को जारी रखने के लिए अपने पहले औत सेरेमनी के अंदर मोदी जी ने न सिर्फ उस समय के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को भारत बुलाया बल्कि मोदी जी खुद भी एकाएक -एक पाकिस्तान का दौरा किया लेकिन उसके बाद हुआ क्या ये सभी जानते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से फिर से भारत के अंदर दहशत कार्रवाई की गई और जिसके बाद तभी शायद मोदी जी ने यह डिसाइड किया कि अब बस बहुत हो चुका पाकिस्तान से दोस्ती का भारत की तरफ से प्रयास क्योंकि पाकिस्तान समझने वाला नहीं है और उसके बाद से ही मोदी सरकार ने पाकिस्तान को हर तरीके से आड़े हाथों लेना शुरू किया और यहाँ तक कि मोदी सरकार ने पाकिस्तान का नाम लेने तक भी गवारा नहीं समझा और वर्ल्ड स्टेज पे पाकिस्तान को और पाकिस्तान के ट्रू नेचर को सही तरीके से एक्सपोज किया कि आज भी आज तक पाकिस्तान आइसोलेटेड है और दुनिया के कई देश यहाँ तक कि कई अरब देश भी पाकिस्तान को अब घास भी नहीं डालते जिसके बाद अब यह नतीजा यह निकल रहा है कि पाकिस्तान आए दिन भारत से बात करने के लिए छठ रहता है तो दोस्तों इस पर आपका क्या कहना है आप नीचे से कमेंट करके बता सकते हैं थैंक यू